ये मशीन चलने लगा, ये गियर है, फोल्ड करके फिर हम लोग क्या करेंगे कि कवर है। अच्छा, इसका कवर है जो इसको कूट बोला जाता है, ध्यान जी। इसको इसमें डालेंगे, इसको जो है हम लोग इसमें डाल दिया, ऐसे डाल देंगे। अब ये स्टिचिंग मशीन है, इसी पे इसी मशीन के सहारे इसमें पिन लगाया जाता है, पिन अप किया जाता है। चलिए बताइए, कैसे आपके दिमाग में आया कि इस बिजनेस को करना चाहिए? 8 घंटा हम लोग काम करेंगे तो एकदम आराम से काम करते हैं, तो हम लोग जो है 2000 रुपया तो आराम से आमदनी कमा सकता है दिन भर में इसी मशीन से काम करके। जी, ओ क्या बात है, कैसे इसको पैर से चला करके। जी नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दोस्तों, अभी हम गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव में पहुंचे हुए हैं जिसका नाम है सदौंगा। आप हमारे पीछे देखेंगे, यहां पे दूर दूर तक आपको जो है कि कोई घर नहीं दिखाई देगा, खेत होता है, खलियान है। और इस छोटे से गाँव में आज आपको एक अलग ही तरह का बिजनेस दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग भी सरकार को कोसते हैं ना, या फिर जो लोग बेरोजगार हैं और सरकार को तमाम तरह के जो है कि ताने मारते हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे रही, तो जाहिर सी बात है सरकार सबको तो रोजगार नहीं दे सकती, लेकिन कुछ अपने ऊपर जो है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। इस छोटे से गांव में आज हम पहुंचे हुए हैं और यहां पे आपको दिखाएंगे किस प्रकार से एक युवा है जो कि अपनी हायर पढ़ाई एजुकेशन करने के बाद यहां पे वो नौकरी की तलाश में नहीं लगे, अपने बिजनेस को जो है कि फोकस किए, और बिजनेस को फोकस करते करते आज जो है कि यहां पे नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग कहने का मतलब कि जो भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, और जितने तरह का कॉपी वहां पे यूज होता है, उन सारे कॉपियों का प्रोडक्शन जो है यहां पे किया जाता है। अभी देखेंगे किस प्रकार से जो है कि यहां पे उन कॉपियों को फोल्ड कर रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, ध्यान से दिखाइए सर। और बगल में ये भी देखिए किस प्रकार से जो है कि यहां पे जो है कि कॉपियां रेडी कर दी गई है। कॉपी उठा के आपको दिखाते हैं, ये मैथ की कॉपी है, ध्यान से दिखाइए, ये मैथ की कॉपी है और इस कॉपी को जो है कि रेडी कर दिया गया है। अभी इसमें केवल पिनअप करना है और इसमें तमाम तरह की यहाँ पे कॉपी आपको मिल जाएगी, जो है कि मैथ की, हिंदी की, इंग्लिश की, जो है कि सब कॉपियाँ यहाँ पे, ये देखिए इंग्लिश की कॉपी है और इसको पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 10 वाली कॉपी है, मार्केट में आराम से इसको 10 रुपये में किसी भी दुकान में बेचा जा सकता है। अब सबसे बड़ा बात ये उठता है कि इस बिजनेस को अगर कोई करना चाहे तो कैसे कर सकता है और कैसे इनसे जुड़ करके पैसा कमा सकता है। और ये जो बगल में मशीन देख रहा है, यही वह मुख्य रूप से मशीन है जिसको खरीद करके आप जो है कि इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो आइए इन भाई साहब से बात करते हैं कि कैसे उन्होंने सोचा कि इस बिजनेस को करना चाहिए और इस बिजनेस को कर करके अभी कैसा जो है कि अपने लाइफ को ये व्यतीत कर रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन कुमार पांडे है। राजन जी, ये बताइए कहाँ तक आपने पढ़ाई किया है? मैंने इंटर तक पढ़ा है। तो आपने मतलब कि नौकरी की तलाश नहीं की, जॉब नहीं सोचा, आपने जो है कि ये सब क्या शुरू कर दिया? देखिए, हम लोग जनरल कैटेगरी से हैं, जॉब तो ऐसे भी सरकारी जॉब नहीं होगा। जी जी। और बाकी मान लीजिए 10,000-15,000 की नौकरी जो है, मैं लोग 12 घंटा नहीं 18 घंटा काम करवाते हैं। तो हम सोचे कि अपना छोटा उद्योग करें, छोटा ही उद्योग सही है, अपने मन का मर्जी है, अपने मन से काम करना है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो अभी आप कॉपी का जो रॉ मटेरियल है, पेपर है, इस कहाँ से मंगाते हैं आप लोग? जी, हम गोरखपुर से मंगाते हैं। गोरखपुर से मंगाते हैं, तो जाकर के लाना पड़ता है या ट्रांसपोर्ट के जरिए आ जाता है? नहीं, ट्रांसपोर्ट के जरिए भी आ जाता है, आसानी से मिल जाता है। अच्छा, ये बताइए कैसे आपके दिमाग में आया कि इस बिजनेस को करना चाहिए और इस बिजनेस के करने के पीछे का मुख्य कारण क्या था? जैसे हम गए थे एक जगह तो देखे कि बनारस में काम हो रहा था, तो मेरे दिमाग में आया, उसके बाद वीडियो भी देखे यूट्यूब पर। जी जी जी। तो सोचे कि सब कोई ऐसे कर रहा है करके, अपना हम भी वीडियो के सहारे देखे, उसके बाद अपने शहर गोपालगंज में गए थे, वहाँ भी कुछ जो है हमको ज्ञान मिला, बातचीत किए, वहीं से फिर मन में उत्पन्न हुआ कि नोटबुक का बिजनेस किया जा सकता है, ये हर एक जगह इसका मार्केट है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े दुकान में भी बेचा जा सकता है। जी, तो ये बताइए ये जो रॉ मटेरियल है, जो पेपर है, ये कितना साइज में आता है, इसका लंबाई चौड़ाई क्या होता है? जैसे एक शीट में 4 फोल्ड होता है इसमें। अच्छा, एक इसको करके दिखाइए। ये जैसे हम लोग 10 वाला कॉपी बनाते हैं। जी जी, ये 10 वाला कॉपी का रॉ मटेरियल। हाँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 शीट हम लोग डालते हैं। हाँ हाँ हाँ। इससे 6 शीट में 24 पेज होगा। जी जी जी। मार्केट में 10 वाली कॉपी 24 पेज के ही
अवेलेबल रहती है। तो इसको फोल्ड करके इसको पहले मतलब मोड़ा जाता है जी, इसको ऐसे एक फोल्ड हो गया, एक फोल्ड हो गया, उसके बाद ऐसे फिर दूसरा दूसरा फोल्ड करेंगे। दूसरा फोल्ड करके फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको इसके बाद से इसको जो है कवर है, अच्छा इसका कवर है जो इसको कूट बोला जाता है जी, इसको इसमें डालेंगे, इसको जो है हम लोग इसमें डाल दिया ऐसे डाल देंगे। अब डाल देंगे उसके बाद इसमें जो है स्टिचिंग होगा, पिन मारा जाएगा जी जी, उसके बाद से जो है कि इसका आगे का प्रोसेस होगा। हाँ, उसके बाद आगे जो है कटिंग मशीन है वो अपना। तो ये जो है फोल्ड कर करके सब रखे हैं, इसको जो है कि अभी स्ट्रेचिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे। तो चलिए थोड़ा स्ट्रेचिंग करके दिखाइए कैसे इसको स्ट्रेचिंग किया जाता है। और ये बताइए, थोड़ा खड़ा हुई सर जी, और ये बताइए जो कूट है जी, ये कूट है ये क्या आपने खुद ब्रांडिंग करवाया है या फिर कहीं से बाहर से मंगाया? नहीं, अभी तो हम बाहर से मंगाते हैं, अभी ब्रांडिंग के लिए दिए है, ब्रांडिंग हो चुका है जो है परसों आ जाएगा ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अभी अपना ब्रांडिंग अभी अपना नहीं है, वो ब्रांडिंग 25,000 पेज हुआ है। अच्छा अच्छा, तो वो परसों आएगा तो अपना ब्रांडिंग चलाएंगे, तब तक काम नहीं रोकने के लिए हम जो है मार्केट से जो कूट मिला उसका काम मतलब सादा जी। अच्छा ये बताइए कि इसको थोड़ा आगे का प्रोसेस बताइए कैसे इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, अभी किस प्रकार से आप लोग देखेंगे पेपर को जो फोल्ड करके इसको जो है कि इसके रैपर में डाल दिया गया, इसके कवर में डाल दिया गया है, और इस कूट को जो है कि अब यहाँ पे स्ट्रेचिंग किया जाएगा, और कैसे ये स्ट्रेचिंग होगा ये आप लोग को करके दिखाया जाएगा। और एक एक करके जितना भी यहाँ पे फोल्ड किया गया है ना, सभी को जो है कि इसमें डाला जा रहा है, और इसमें डालने के बाद सबको जो है कि स्ट्रेचिंग किया जाएगा एक एक करके, जो है कि दो हो गया यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आराम से दिन भर में, अगर 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो लोग जो है कि बाहर में समय देते हैं, कंपनी में जा करके समय देते हैं, वो लोग अगर अपने काम को समय देना तो शायद वो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अभी इनसे मुनाफे पे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से कितना पैसा इसमें ये इन्वेस्टमेंट किए हैं और कितना पैसा ये इससे कमा सकते हैं, और दूसरों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि एक छोटा सा गाँव है और इस गांव में जो है ना कि संसाधन की बहुत ही कमी है, क्योंकि कहा जाए तो इसके जस्ट थोड़ा सा बगल में जाएंगे ना तो गंडक नदी शुरू हो जाती है जिसको दियर बोला जाता है, और उस दियर में रहते हुए किस प्रकार के अपने मनोबल को बढ़ाए हैं, और उस मनोबल को बढ़ाते हुए किस प्रकार से चाहे हैं कि अपने लिए अपने परिवार के लिए बेरोजगार रहने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। तो अभी आप देखेंगे कि इसको स्ट्रेचिंग किया जाएगा, तो स्ट्रेचिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो दिखाएंगे यहाँ पे, और स्ट्रेचिंग जो होता है छोटी सी मशीन है इसके सहारे किया जाता है। सर ये इसको क्या बोलते हैं? ये स्ट्रेचिंग मशीन है, इसी मशीन के सहारे इसमें पिन लगाया जाता है, पिन अप किया जाता है। तो ये जो कूट है इसमें कितनी कॉपियां तैयार होगी? इसमें एक जैसे पेज के अलावा है इसमें दो कॉपी तैयार होगी, इसमें आराम से दो कॉपी तैयार की जा सकती है। एक कॉपी की कीमत, एक कॉपी की कीमत जैसे मार्क दुकान में लोग 10 रुपये में बेचते हैं, हम लोग होलसेल में 6 रुपया 70 पैसा बेचते हैं। 6 रुपया 70 पैसा जी। और इसको मतलब कि आप तो 6 रुपया 70 पैसा में बेचते हैं, आपको बनाते बनाते कितना कॉस्ट आ जाता है? 5.5 रुपया कॉस्ट आ जाता है। तो मोटा मोटी 1 रुपया 20 पैसा आप एक कॉपी पे कमाते जी। अच्छा, तो काफी अच्छा है महाराज। 8 घंटा हम लोग काम करेंगे तो एकदम आराम से काम करते हैं, तो हम लोग जो है 3,3200 कॉपी बना देते हैं। मैनुअल 3,000 बना जी, मैनुअल बिल्कुल आराम से। तो 3,000 अगर आप बनाते हैं तो आराम से एक दिन का 3,000-3,500 रुपए कमाया जा सकता जी, है जी। ये तो मतलब काफी अच्छा जो है कि कॉन्सेप्ट है महाराज, 2,000 रुपया तो आराम से आमदनी कमा सकता है दिन भर में इसी मशीन से काम करके जी। ओ क्या बात है, कैसे इसको पैर से चला करके और इसको यहाँ पे स्ट्रेचिंग किया जा रहा है, काफी बेहतरीन लग रहा है देख करके। दिखाइए सर, देखिए ये कॉपी जो है इसको पिन मार दिया गया, इसको पिंच कर दिया गया, और ये पिंच करने के बाद जो कॉपी है इसको कटिंग किया जाएगा, नहीं सर? जी कटिंग किया जाएगा, उसको कटिंग करने के बाद कॉपी एकदम तैयार हो जाएगी मार्केट में सेल होने के लिए। अच्छा ये बताइए कि इसका मशीन का जो है कि कहाँ से आप मंगवाए थे इस मशीन को? मशीन को हम पटना से मंगाए थे, इनकम टैक्स चौराहा पे जी, वहीं से मंगाए थे जी। क्या कॉस्ट आया था इस मशीन को खरीदने में, टोटल परचेजिंग में क्या कॉस्ट आया था? स्टिचिंग कटिंग और स्पाइरल मशीन भी हम लगाए हैं, स्पाइरल में थोड़ा ट्रेबल हो गया था वो बनने के लिए गया है। ये तीनों मशीन को लेके हमको 4,70,000 रुपया कॉस्ट आया था। ट्रांसपोर्ट का अलग है कि उन्हीं कंपनी का था? ट्रांसपोर्ट का अलग है उसमें। अच्छा ये बताइए कितना दिनों से आप ये बिजनेस कर रहे हैं? ये बिजनेस करते हमको 2 साल हो गया सर।
दो साल से ये बिजनेस कर रहे हैं, कोरोना में ये शुरुआत किए थे आप? जी, कोरोना के जस्ट बाद से ही चालू किया। जस्ट बाद से? तो आपने कैसे सोचा कि इसी बिजनेस को करना चाहिए? दुनिया में बहुत सारे बिजनेस है ना। देखिए सर, हमने नोटिस किया कि गांव में रह के हर एक घर का ही जो है जरूरत है। हर एक घर में, हर एक फैमिली में बच्चे हैं, पढ़ने के लिए कॉपी चाहिए ही चाहिए। तो इसी को सोच करके आपने इसकी शुरुआत? जी जी। अच्छा ये बताइए, इसका रॉ मटेरियल, इसमें जो पेपर डाला जा रहा है जी, जो पेपर वो 6 पेज का है जी? 6 पेज। अगर फोल्ड कर देंगे तो 24 पेज का। तो 6 पेज को जो है कि कितना रुपया उसमें खर्च करते होंगे 6 पेज में? सिर्फ पेज में जो है 4.20 रुपया के आसपास खर्च है। 4.20 रुपया। और इसका जो कूट है, जो बाहर का कवर है इसका, ये कवर 1.30 रुपया का है। और सब मिला जुला करके लगभग 5.5-6 रुपए में रेडी हो जाता है। 1 रुपया प्रॉफिट लेके आराम से बेचा जा सकता है। तो एक एक करके देखिए किस प्रकार से इतनी सारी कॉपियों का ये बना रहे हैं। अभी हमारे हाथ में देखेंगे टोटल 5 कॉपी है, और एक कॉपी जो है उसका स्ट्रेचिंग करने जा रहे हैं। और ये टोटल कॉपियां जो है ना कहीं ये भाई साहब अपने मेहनत के बदौलत और अपने जो है कि घर का त्याग के बदौलत यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और आने वाले समय में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अच्छे खासे मुकाम पे जाएंगे, अपने परिवार को जो है कि काफ़ी अच्छी सौगात ये दे सकते हैं। और इसको अब मतलब कि अब स्ट्रेचिंग करने के बाद इसका प्रोसेस क्या होता है? अब ये जो मशीन है इस पर कटिंग होगा। जी जी जी, थोड़ा इधर आइए। ये तो बहुत विशाल मशीन है हमारा, बहुत भारी मशीन है जी। इस मशीन पे कटिंग होगा। जी जी जी। अच्छा, तो ये टोटल एक साथ काटा जा सकता जी, है? जी, एक साथ ही, एक साथ ही इस पे 50 कॉपी 100 कॉपी एक बार में काटा जा सकता है। इतना जो है कि एक बार रेडी हो जाएगा जी। अच्छा ये बताइए, ऑटोमेटिक मशीन है कि मैनुअल है? ये सर सेमी ऑटोमेटिक मशीन, हमने सेमी ऑटोमेटिक। सेमी कहने का मतलब दोनों ये कर सकते हैं जी। ये इलेक्ट्रिक से भी चल सकता है जी जी। और जो है सर, ये ऐसे लाइट कट गया, जरूरी है आपको एजेंट है कि मतलब कहीं का ऑर्डर है, देना ही है। हाँ हाँ हाँ। तो जो है कि हाथ से भी चला के, हाथ से भी इसमें हैंडल लगता है जी जी जी। ऐसे हम लोग तो मैनुअल जैसे कट जाता है तो ऐसे हाथ से भी नचा के इसको चला सकते हैं आसान से, और बहुत फ्री चलता है। अच्छा मान लीजिए कि अभी हम लोग जिस समय है, इस समय शायद हो सकता है बिजली ना हो, तो आप हाथ से भी करके दिखा सकते हैं। तो इस छोटे से गांव में हो सकता है बिजली की समस्या हो, तो आप हाथ से भी कर? हाथ से भी हम लोग कर लेते हैं, मतलब बिजली का कोई जरूरत भी नहीं? बिजली का जरूरत नहीं है। अच्छा इसमें जो है कि इसको करने में वर्कर का क्या है, कैसे इसमें स्टाफ की क्या जरूरत होती है? स्टाफ की जरूरत है जैसे कॉपी कटिंग हुआ तो इसको बांधने के लिए या वो पेज को फोल्ड करने के लिए, बाकी जी। तो ये बताइए कि इस मशीन को आप 4,70,000 में तीनों मशीन खरीदे थे, तो आपको कैसे आइडिया मिला कि जाकर के वहां से लेना चाहिए? जैसे वहाँ हमने यूट्यूब पर देखा था, उन लोगों का वीडियो आया था मशीन की, हम लोग मशीन बेचते हैं, तो पहले मैं हमने जाके वहाँ संपर्क किया, बात विचार किया, और भी एक दो जगह बात विचार किए थे हम लोग। पहले तो मशीन लेने में काफ़ी कठिनाइयाँ हुई, एक जगह हमने एडवांस दे दिया तो उन्होंने बोला कि जैसे 10 दिन में हम मशीन दे देंगे, फिर 1.5 महीना उन्होंने घुमाया, फिर वहाँ से हमने पैसा जो दिया था उसको जाके रिटर्न ले लिया। फिर KG मशीनरी है इनकम टैक्स चौराहा पे, उनके यहाँ एडवांस किया तो उन्होंने मशीन जो है हमको समय पर दिया, और तब से जो है कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं। तब से बिजनेस। अच्छा क्या लगता है, जरूरी नहीं है कि आप जो है कि झूठी बोले, लेकिन सच्चाई बताइएगा, क्या आप इस मशीन से संतुष्ट हैं? जी जी, संतुष्ट। पैसा आप अच्छा खासा कमा लेते हैं? अच्छा खासा कमा लेते हैं पैसा। नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि वीडियो में व्यूअरशिप के लिए झूठ बोल देते हैं कि ये नहीं वो नहीं फलाना ढिकाना बता देते हैं। मतलब आवश्यकता के अनुसार हमने इस मशीन से इस बिजनेस को करके अपना भरण पोषण कर सकते हैं। किसी के सामने हाथ पसारने, किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। तो ये बताइए, 4 लाख रुपया लगाए हैं, 4.5 लाख रुपया अभी तक इससे कितना पैसा कमा सके हैं 2 साल में? लगभग देखा जाए तो 2 साल में मिनिमम हमने 2.5-3 लाख रुपया तो कमा लिया। प्रॉफिट बताइए 2 साल में, मतलब 2.5-3 लाख है जो पैसा दिखता है वो 2.5-3 लाख रुपया दिख रहा है। ऐसे घर का बिजनेस है, इधर से पैसा आया इधर गया, ये तो छोटा मोटा आता है, 400 आएगा चला जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा कटिंग करके दिखाइए, फिर कुछ आपसे और बात करेंगे। थोड़ा दिखाइए सर इधर, और किस प्रकार से यहाँ पे एक साथ 100 कॉपियों को भी काटा जा सकता है, 50-100 जितना इसमें आ जाए, जितना आ जाएगा। ये पूरा ये उठता है, इस सर्कल को घुमा के उठा दिया जाएगा, इसमें इतना करके, और जैसे
पहले हम लोग इस सामने का फ्रंट काट लेंगे उसके, साथ साथ हाँ, साथ। उसके बाद हम लोग इतना था लगा कि चार, मतलब चार खंड में कॉपी काट सकते हैं। जैसे इतना हाइट का कॉपी हो गया 25-30, तो जैसे 30-90-100 कॉपी हम लोग काट आसानी से सकते, आसानी से काट सकते हैं। तभी इसको जो है कि गिराया जाएगा उसके ब्लेड को। जी, पहले इसको हम लोग गिरा के दाबेंगे, लाइनिंग को सीधा करेंगे, उसके बाद ब्लेड को गिराया जाएगा। अच्छा, ये जो अच्छा, है इससे इससे ई हैंडल से जो आगे पीछे किया जाता है। अच्छा, कॉपी को आगे पीछे किया जाता है। तो देखिए कितना ये जो है कि महीन काम है, हालांकि ये कोई बड़ी काम नहीं है, एक दो बार आप कर लेंगे तो सबको अनुभव हो जाएगा। जी, जी बिल्कुल, बहुत आसान है सर, एक बार आमदी कर लेता है फिर सब अनुभव हो जाता है कैसे क्या करना है। तो इसको पहले दबाया जाएगा। जी, अभी रेडी हो चुका है, रेडी हो गया है। अब ब्लेड इसके गिराया जाएगा। जी, ब्लेड को गिराया जाएगा। अच्छा, वो पहले इसको ऐसे दबा दिया जाएगा, पूरा टाइट कर देंगे। जी, और उसके बाद से इसके ब्लेड को गिराएंगे। उसके बाद बिजली वाला है। हाँ, अभी बिजली है तो जैसे गिराएंगे वो गिर जाएगा ब्लेड। नहीं, अच्छा, हाँ, जैसे हम ऑन करेंगे तो ये मशीन घूमने लगेगा मोटर के सहारे। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद ये गियर है। अच्छा, गियर को ऐसे खींचेंगे वो आएगा, ब्लेड ऑटोमेटिक काट देगा, फिर वापस चल जाएगा। अच्छा, थोड़ा बिजली दीजिए, इसमें बिजली दिया जाए सर। ये मशीन चलने लगा, ये गियर है। ये तो कट गया, हमारे एक झटके में कट गया, कट गया। ये तो काफी आसान है। अब ऐसे इसको उठा दिया जाएगा, जो आवश्यकता नहीं है तो पहले हम मशीन को बंद कर देंगे। और ये जो है कि ये वेस्ट में जाता है। जी, जैसे वेस्ट में है लेकिन ये भी बिक जाता है, ये भी अंडा के ट्रे बनाने वाले लोग खरीद के लेके, बहुत सारे लोग इसके भी खरीदा। जी जी, इसमें कुछ भी जो है कि वेस्ट नहीं है। नहीं, इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं है। अच्छा, एक साइड से कट गया, अब दो साइड से भी इसको काटेंगे हम लोग। जी, उसके बाद देखिए इसमें कॉपी में जो है निशान दिया गया है, हम लोग यहाँ से इसको काट देंगे दो पार्ट में। जी, दो पार्ट में कर देंगे। ये तो काफी आसान है महाराज एकदम, मतलब समझिए कि ये अगर अच्छे से एक बार अगर कोई समझ ले तो कोई भी इसको चला सकता है, कोई भी इसको चला सकता है। अच्छा, मम्मी पापा भाई बहन घर के परिवार के लोग आपको सपोर्ट किए जब ये बिजनेस शुरू किए? तो बिल्कुल, सब सपोर्ट किए। शादी हो गया आपका? जी, शादी हो गया। तो इसी से आपके परिवार का भरण पोषण होता है? जी। चलिए, काफी अच्छी बात है। और इसको अब बीच से दो पार्ट में कॉपियों को फोल्ड जो है कि कट कर दिया जाएगा, और कट करने के बाद ये कॉपियां जो है कि दो पार्ट में हो जाएगी। ये देखिए किस प्रकार से जो है कि इसको यहाँ पे अपने जो है कि लेवल के हिसाब से उसको बैठाया जा रहा है ताकि इसको काट दिया जाए, और इसका जो ब्लेड है वो सेटअप हो गया। जी, फिर से चालू करेंगे, फिर से यहाँ से हम चालू करेंगे और इस गियर को ऐसे घुस देंगे। कट गया, ओह माय गॉड, कितना आसानी से कट गया भाई साहब। अच्छा, इसमें फिर से कट लगेगा क्या कोई? जी, अब जो है इस साइड से फिनिशिंग खाली करना है। जी, अब इसको हम फिनिश करके दिखाते हैं। जी जी जी। अच्छा, मान लीजिए मोटर चल रहा है, आप हाथ हैंडल डाल रहे हैं, ब्लेड का कोई रिस्क इसमें? कोई रिस्क नहीं है, जब तक इस गियर को खींचा नहीं जाएगा तब तक ये ब्लेड नहीं गिरेगा। ब्लेड वो आता है, लॉक हो जाता है। अच्छा अच्छा, फिर हम लगा के इससे सेटअप करेंगे, इसको दबा देंगे, उसके बाद जब इसको खींचेंगे गियर को तब ब्लेड, तबे ब्लेड गिरेगा। तो अभी थोड़ा लगाया जाए, अब एक साइड से और काटना है। एक साइड से जब और काट दिया जाएगा तो ये कॉपी पूरी तरह से मार्केट में बेचने लायक हो जाएगा, उसके बाद आसानी से इसको 6-7 रुपये में बेचा जा सकता है, और आराम से जो है कि मार्केट के दुकानदार जो हैं वो 3-4 रुपया एक कॉपी पे प्रॉफिट कमा लेते हैं, और अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है। देखिए किस प्रकार से जो है कि कॉपी को यहाँ पे उसको दबा दिया, ये भी तो साथ में काट, ये तो ये हाँ, तो ये भी काट सकते हैं एक साथ, ये भी हो सकता है। जी, दोनों एक बार काटते हैं। ये देखिए किस प्रकार से दोनों जो है कि कॉपी को, पहले 6-6 कॉपी थी, अब 12 कॉपी हो गई है ना, अब 12 कॉपी हो गई है। अब इसको काट दिया जाएगा।
से खींचेंगे हम, ब्लेड आएगा। तो ब्लेड इसका बहुत तगड़ा है महाराज, ये तो कुछ भी काट सकता है, कुछ भी काट सकता है। ये देखिए क्या बात है, ये 10 मिनट के अंदर कहें तो 120 रुपये आप कमा लिए आराम से 10 मिनट के अंदर। देखिए जब जितना देर में हम इस वीडियो को शूट किए हैं, ये आपके सामने टोटल 12 कॉपियां यहां पे तैयार हो चुकी है, और इस 12 कॉपी को आराम से मार्केट में 84 तो 84 रुपये आराम से जो है कि मार्केट में बेच करके, और इसमें आराम से 84 रुपये में कितना आपको बच जाएगा? ये 84 रुपये में हमको जो है 7 कॉपी पे कितना बचेगा? एक कॉपी पे हमको 1.5 रुपया 1.5 रुपया 12 वो है ना, तो 12, 6, 18, 17, 18 रुपया बच जाए। 10 मिनट में आप 17-18 रुपया निकाल लीजिए। जी अच्छा ये बताइए कि काफी लोग बोलते हैं कि मशीन जो है कि सोच समझ के खरीदना चाहिए, मशीन में जो है कि फ्रॉड बहुत ज्यादा, क्या ये बात सही है? देखिए सही जगह पर जाइए, सही जगह पर जाइएगा तो कोई फ्रॉड नहीं है। अब मान लीजिए कि इस दुनिया में हर एक टाइप के लोग, अब गलत जगह पर जाइएगा तो आप ठगी का शिकार हो जाइएगा। जाहिर सी बात है दुनिया के सारे लोग तो गलत नहीं है, लेकिन गलत के चक्कर में सही लोग भी जो है कि पिस जाते हैं, सभी लोग बदनाम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये कॉपी आराम से मार्केट में दुकान में ले जाकर के दे सकते हैं। अच्छा ये बताइए इस कॉपी को बनाने में आपको जो है कि लगभग 70-75 रुपए का खर्च हुआ, मार्केट में कैसे आप इस कॉपी को पहुंचाते हैं? मार्केट में जैसे अगल बगल, मेरे बगल में सरावा सदौंगा बाजार है, तो कुछ दुकानदार लोग हैं जो आके ले जाते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके घर 3-4 लड़का पढ़ने वाला है, वो लोग आते हैं यहाँ से एक बार में 100-150 कॉपी अपना ले जाए घर रख देते हैं, तो इस हिसाब से मेरा चलता है। बाकी जगह हम पहुँचाते भी हैं इसे जिनकी, तो पहले शुरुआत में तो मार्केट बनाना पड़ता है, तो वैसे बाइक से जो है ज़्यादा क्वांटिटी होता है तो अपने पास एक कार है उसमें पीछे डिक्की में रख के ले जाके हम पहुंचा देते हैं। अच्छा एक और चीज बताइए, बहुत सारे ऐसे मशीन बेचने वाले लोग हैं जो कि कहते हैं कि मशीन भी मेरी, केवल आप पैसा लगाइए मशीन से प्रोडक्शन कीजिए और हमको ही बेच दिए, क्या ये बात ऐसा होता है? नहीं सर ऐसा तो हमारे देखने से नहीं होता है, वो लोग कहने के लिए कह देते हैं कि हमसे ही खरीद के हमसे ही बेच दीजिए, नहीं ऐसा नहीं है। तो बताइए तो ऐसा होगा तो महाराज ऐसा सरकार को करना चाहिए कि जैसे उन्होंने एक जो योजना चलाया था उद्यमी योजना, तो उन्होंने पैसा दिया सब कुछ किया, एक सरकार को ऐसा मार्केट बनाना चाहिए कि हर एक उद्यमी लोग अपना माल वहाँ बेच सके, हाँ सरकारी रेट जो हो उस रेट में दे दे, वहाँ से सरकार जो है मार्केट में पहुँचाए। तो ऐसा अभी तो बिहार में है, मतलब संभव है नहीं, लोग अपने खींचा तानी में कुर्सी के चक्कर में है लोग। ये कॉपी देखिए किस प्रकार से, एक कॉपी में टोटल कितना पेज है? ये 10 वाली कॉपी है, एक कॉपी में 24 पेज है। तो ये बताइए कि केवल आप 10 रुपए वाला इस मशीन से बनाते कि जैसा नहीं, चाहे नहीं, जैसा चाहे बना हुआ है 20-30 सब बना हुआ है, मतलब सब कॉपी। हाँ, हाँ, थोड़ा दिखाइए सर किस जो है कि ये तो इंग्लिश का कॉपी हो गया, हिंदी का दिखाइए थोड़ा। बना के दिखाया आपको ये जो है, देखिए 20 रुपए वाली कॉपी है, इंग्लिश का है, इंग्लिश का है जी, इसमें ज्यादा पेपर है ना, 20 का है तो ज्यादा पेपर जाहिर सी बात है रहेगा, ये हिंदी का है, हिंदी का है 20 का पेपर है जी। अच्छा मैथ का भी कॉपी रखते हैं आप? जी हाँ मैथ का भी, मैथ का कोठा वाला है, हाँ ब्रैकेट वाला भी है, स्क्वायर वाला सब भी है आपके पास, ये इंग्लिश का है, ये मैथ का है ना? हाँ, मैथ का है। वो भी हिंदी का है, मतलब कि इसमें लगभग आप तमाम तरह की कॉपियां बनाते हैं जो मार्केट में बच्चों की जरूरत का होती है, ये स्क्वायर वाली कॉपी है, ये भी आसानी से 20 रुपए में बिक जाता है। अच्छा ये बताइए कि आपके पास अभी स्टॉक नहीं है माल का, इसका वजह क्या है? माल का स्टॉक नहीं है सर, वो जो ट्रांसपोर्ट में माल लगाए थे 2-3 रोज लेट हो गया, इसलिए स्टॉक उड़ा गया है, और आज जो है मेरा शीत बसंत जो बस चलती है उससे साहेबगंज के आगे एक देवरिया है वहाँ भी मेरा माल जाता है। अच्छा वहाँ तक जी, वहाँ तो 1700 कॉपी वहाँ भेज दिए, रात में हम लोग काम किए हैं जो है 11-12 बजे तक, तो फिर सब कॉपी वहाँ निकल, हाँ वहाँ निकल गया, और कच्चा माल आया नहीं, फिर भी अभी मेरे पास 4000 कॉपी बनाने तक का माल है। तो ये 4000 कॉपी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर दे तो तुरंत सब निकल जाएगी? हाँ निकल जाएगी, जैसे मार्केट का अभी
सर्वे करके हम अभी आए हैं मार्केट से, तो कहीं 200 कहीं 150, हर जरूरी डिमांड नहीं है है। कि हर एक जगह 2,000 4,000 ही कॉपी जाएगा। हम लोग छोटा से जैसे जिसको 24 कॉपी 50 कॉपी चाहिए, सब दुकानदार लोगों से मिलते हैं, जैसे जिनका रिक्वायरमेंट है वैसे पहुंचाया जाता है। अच्छा ये बताइए कि आप 2 साल पहले शुरुआत किए, 2-2.5 लाख रुपया प्रॉफिट कमा लिए, क्या लगता है इसमें दूसरे लोगों को इस बिजनेस में जुड़ना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जुड़ना चाहिए, बिजनेस के जैसा कुछ नहीं है सर इस बिजनेस से अच्छा खासा आदमी कमा कुछ। सकता हाँ है। हाँ बिल्कुल कमा सकता है। हमने पढ़ाई करने के बाद जॉब भी किया, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब किया एक्सावेटर ऑपरेटर के पद पे, अच्छा, तो फिर तो उसको छोड़ क्यों दिया आप? उसको छोड़ दिए। देखे कि 12-8 घंटा का, जैसे वो लोग पेपर मेंटेन करते हैं कि हमने 8 घंटा का ड्यूटी लिया, अच्छा, और ज़रूरत पड़ जाती है तो वो लोग 18 घंटा भी काम करवाते हैं, और उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। ये हमारे अपना जो है, मेरा अपना काम है, हम 18 घंटा करेंगे तो 18 घंटा का प्रॉफिट पाएंगे, और बारह उसके घंटा बाद से कंपनी में सीनियर की गाली सुनी है बहुत हाँ सारी बार। बहुत बहुत। उसमें नौकरी का मतलब 9 के करिए, नहीं तो 9 दिन करिए, नहीं तो मत करिए, 3 गो फॉर्मूले है जो आप कभी भी सर उठा के बात नहीं कर सकते हैं, बंधिक में है आपके, आपका कोई पर्सनल काम आ गया तो आप नहीं जा सकते हैं किसी के अधीन में। यहाँ तो हम किसी के अधीन में नहीं हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई हमको आवश्यकता लगा कहीं जाना है तुरंत ताला लगाए, किसी को कह यहाँ रख दिए, गए अपना काम चलिए करके चलिए चले। बताइए कि आपसे लोग कैसे जुड़ करके इस बिजनेस को कर सकते हैं, कैसे कोई पैसा कमा सकता है आपसे जुड़ के? जैसे हमसे जुड़कर कोई अपना काउंटर खोल ले, दुकान खोल ले, हमसे माल ले जाए और वहां से होलसेल, जो है जी कि वहाँ से, रिटेल में पहुंचा हाँ दे। हाँ वहाँ से रिटेल में पहुँचाए, या छोटा भी कोई दुकान खोल के हमारे यहाँ से माल ले जाके एक कॉपी पर मिनिमम 3 रुपया, 2.5 रुपया, 3 रुपया, जो 20 वाली कॉपी है हम लोग 14.5 में देते हैं, समझिए कि 5-5.5 रुपया प्रॉफिट कमा सकता है आदमी आराम से। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो है कि ये बिजनेस से आप काफी संतुष्ट हैं। जी बिल्कुल संतुष्ट हैं आपका सर। नाम क्या पड़ेगा? राजन। मेरा नाम राजन है। तो बताइए राजन जी, इस छोटे से गांव में आप ये बिजनेस किए, कहीं ना कहीं मुझे भी आपको देख करके काफी अच्छा लगा कि आप अपने के साथ साथ अपने गांव के लोगों को भी रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। ये बताइए कि लोग आपसे चाहते हैं अगर बिजनेस करना तो उसके लिए कौन सा मोबाइल नंबर, आपके पास कोई अवेलेबल मोबाइल नंबर? जी मेरा मोबाइल नंबर है 8294-4151-89। इस पे संपर्क करेंगे तो आपसे जी बात हो बिल्कुल जाएगी। बात हो जाएगी। अच्छा चलिए, कहीं ना कहीं राजन जी जो है कि बहुत सालों जो है कि बाहर जॉब किए, जॉब करने के बाद जब संतुष्ट नहीं हो पाए तो इस छोटे से गांव में आकर के इस बिजनेस को डाल करके आज काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ये कमा रहे हैं और अपने काम से जो है कि काफ़ी संतुष्ट हैं। तो आप लोग इनके बारे में, इनके कार्य के बारे में और इनके नौकरी के बारे में, इनके बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इनसे अगर आप लोग संपर्क करके इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, इनसे आप लोग इस नंबर पर फ़ोन करके बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।